अरे सुकमा जिले के कोंटा नगर पंचायत में विगत दिनों भाजपा के एक महिला वृद्धा पेंशन न मिलने का आरोप लगाते भाजपा के जिला अध्यक्ष के द्वारा बताए जाने को लेकर के कांग्रेस के द्वारा प्रेस वार्ता कर आरोप को झूठा बताते हुए कोंटा नगर पंचायत जाकिर हुसैन ने मीडिया को बताया कि भाजपा के द्वारा 2 वर्ष में कोंटा नगर पंचायत में हर वार्ड में विकास कार्य हुआ है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद मंत्री कवासी लखमा के नेतृत्व में कोंटा की तस्वीर बदल गई है और भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं होने के कारण झूठे आरोप लगाकर चुनाव पास आने पर जग गए हैं। 150 रुपए मिलते हैं, उनको 2 साल से पैसा नहीं मिल रहा है करके जो आरोप लगाए हैं उसका खंडन करने आज हम यहाँ बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष झुंगाराम के द्वारा जो आरोप लगाया गया है वो सरासर गलत और बेबुनियाद है, क्योंकि उस वीडियो में उन्होंने कहा है कि 2023 में जब हमारी सरकार आएगी तब हम आपको न्याय दिलाएंगे। क्या 2023 का उस महिला को इंतजार करना पड़ेगा? अगर वो चाहते तो तत्काल वो CMO नगर पंचायत ऑफिस आते और पता करते कि किस कारण से उस महिला को पेंशन की राशि नहीं मिल रही है। सभी में राजनीति और लाभ ढूंढना ये भारतीय जनता पार्टी की आदत बन चुकी है, और उसके बाद वीडियो देखने के बाद हमने तत्काल उस महिला के संबंध में पूरी जानकारी इकट्ठा किया तो उसमें ये पता चला है कि उनको 650 रुपया पेंशन मिलता है और वो डायरेक्ट रायपुर से उनके खाते में ट्रांसफ़र होता है। हमने उसका स्टेटमेंट भी निकाला है, जनवरी 2021 तक उनको पेमेंट पूरा हो चुका है और उनके खाते में अभी भी 1750 रुपये उनके खाते में अभी भी है। तो उनको बैंक जाके पूरा पता करना चाहिए था, मगर जिला अध्यक्ष जो आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ये निराधार है। भारतीय जनता पार्टी 5 साल में नगर पंचायत में जब हम थे उस समय एक धरना भी नहीं दे पाए, न एक आरोप लगा पाए, मगर चुनाव नज़दीक आ रहा है इस कारण से वो ऐसे अनगरन बयानबाजी कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। जनता सब जानती है भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, क्योंकि माननीय मंत्री जी जब से 2 साल हुआ है यहाँ पे 743 आवास जिसकी राशि 18 करोड़ रुपया और विकास कार्य के लिए 17 करोड़ रुपया माननीय मंत्री जी ने 2 साल में दिया है, जिससे पूरा कोंटा और सब आप लोग जनता जान रहे हैं कितना विकास हुआ है, क्योंकि इनके पास पचा नहीं पा रहे हैं इस विकास को, इसलिए झूठे आरोप लगा रहे हैं।